Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe in home. And remember, whenever you go outside the home, you wear masks and gloves. And you come back to your home, you wash your hands and take a bath daily. एंड सोशल डिस्टेंस का भी बहुत ख्याल रखना है और बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाना है. आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सिद्रा और आई होप यू इन्जॉय योर ऑनलाइन क्लासेस. आप इन्जॉय कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ऑनलाइन क्लासेस से बहुत कुछ सीख रहे होंगे. ओके, नाउ टुडे वी आर डूइंग कॉपी वर्क. व्हाट वी आर डूइंग? कॉपी वर्क. दिस इज़ योर कॉपी, इंग्लिश कॉपी. ओके, जिस पे राइड हुआ हुआ है मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, इट्स कलर इज पिंक एंड दिस इज़ योर इंग्लिश कॉपी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इंग्लिश की जो वर्क है हमारा स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे मैंने आपके से कॉन्वर्सेशंस के, तो आप लोग मुझे उनके वॉइस नोट में आंसर सेंड करिए. वो नंबर वन क्वेश्चन इज विच क्लोथ वी वियर इन विंटर. Do you like stories? Which fruit do you like? Which vegetable do you like? Which national song do you like? Okay, ये 5 questions हैं. आप मुझे voice note में इनके answers send करेंगे. Okay, I am waiting for your voice note. Now, we start our copy work. Open your copy. Okay, students, open your copy like this. Fill in the blanks. मेरे साथ ही सब रीड करेंगे. जिस तरह मैं रीड कर रही हूँ उसी तरह आप लोग भी रीड करेंगे. Fill in the blanks. Okay? ये fill in the blanks हैं. Okay? ये तो अब हम सबको आती हैं, हमने क्लास में भी करी थी. ठीक है, सो दिस इज़ योर होमवर्क. पुट डेट हियर, जो जिस डेट को आपका ये वर्क है वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड राइट SW. व्हाट वी राइट? SW. ओके, SW मींस होमवर्क. दिस इज़ योर होमवर्क. SW मेंशन ज़रूर करेंगे क्योंकि ये आपका होमवर्क है. ओके, आपका होमवर्क है, SW वर्क है, तो इसलिए हम लोग इस पे SW ज़रूर मेंशन करेंगे. ओके, SW मेंशन करना ज़रूरी है. ओके, नाउ डेट मेंशन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स एंड SW. ठीक, फिर उसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करते हैं? जो ब्लैंक्स होती हैं उनको हम फिल करते हैं. व्हाट साउंड इज दिस? ए. व्हाट साउंड इज दिस? ए. नाउ व्हाट कम आफ्टर ए? व्हाट कम आफ्टर ए? यस, ब. देन आफ्टर ब व्हाट कम? ख. 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 देन व्हाट कम आफ्टर ख? ड. 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 तो इसी तरह से आपको अपनी ये जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पे राइट करना है. ओके, और पढ़ पढ़ के रीड कर करके आपको राइट करना है ताकि आपको अच्छे से माइंड में आपके फिक्स हो जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स क्या होती हैं और कौन से साउंड के बाद कौन सा साउंड आता है. ओके, नाउ कम इनटू नेक्स्ट पेज. डिक्टेशन वर्ड्स. अगेन आई रिपीट, डिक्टेशन वर्ड्स. ओके, इससे पहले हम लोग डिक्टेशन वर्ड्स राइट करें, मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स लर्न करवाऊंगी. पहले हम लर्न करेंगे, उनको रीड करेंगे, देन वी राइट इट. ओके, ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड पे डिक्टेशन वर्ड्स राइट करे हुए हैं. ओके, पहले हम इनको लर्न करेंगे, देन वी राइट इन कॉपी. ओके, डिक्टेशन वर्ड्स. अगेन आई रिपीट, डिक्टेशन वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज ओ, मैंने इस बोला वर्ड, फर्स्ट वर्ड ही इज है. I S is जो है वो क्या होता है? इस वर्ब है. ओके, लाइक दिस, किसी भी नाउन के साथ उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी हम लोग कुछ भी इंग्लिश में बोलते हैं
कुछ भी नहीं, यानी वर्ब है उसको हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब का यूज़ करते हैं. ओके, लाइक दिस, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है. अब जो मैं प्रेजेंट यानी चीज़ प्रेजेंट चीज़ की बात कर रही हूँ, मौजूदा चीज़ की बात कर रही हूँ, तो उसके साथ इज़ यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ लाइक दैट, शी इज़ अ गर्ल, ये गर्ल है. तो जब हम है का यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम लोग इज़ यूज़ करते हैं. ओके, बाकी जो कॉन्सेप्ट है टेंसेस वगैरह का, ये आप लोग जब बड़े होंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ इज, आई एस इज, आई एस इज, अगेन आई रिपीट, आई एस इज, फर्स्ट वर्ड इज इज, कम इनटू नेक्स्ट वर्ड नंबर टू, एच ई ही, एच ई ही, एच ई ही. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही? ही हम लोग यूज करते हैं बॉय के लिए या मैन के लिए. ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय, ये अच्छा बच्चा है, ठीक है, या वो अच्छा बच्चा है, इस तरह से. तो हम लोग जब बॉय या मैन की बात करते हैं तो हम लोग ही यूज़ करते हैं. ओके, और गर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं शी. तो बॉय के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जब किसी बॉय की बात करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं ही. ओके, ही ए ही, ही एच ई ही. ओके, नाउ नंबर थर्ड इज थ्री, आई एन एन, आई एन एन, आई एन एन, इन मीन्स अंदर, इन मीन्स अंदर, इन मीन्स अंदर, इन मीन्स अंदर, आई एन एन. जैसे आप लोग समटाइम क्लास में एंटर होते हैं तो टीचर से आस्क करते हैं ना, मिस मे आई कम इन क्लास, इन क्लास यानी क्लास के अंदर आ जाओ, तो इन मीन्स होता है अंदर. ओके, समटाइम टीचर ने आपको सिखाया है जब भी हम अपनी जगह से उठेंगे तो हम क्या करेंगे, चेयर इन करेंगे, तो क्या करेंगे, चेयर को अंदर करेंगे. ओके, इन, आई एन इन. नंबर फाइव, फोर इज आई एफ इफ, फोर आई एफ इफ, आई एफ इफ. If means अगर, if means क्या होता है, अगर. ओके, sometimes teachers पूछते हैं ना, if you finish your work, so turn your copy. टीचर आपको बोलती है ना कि अगर आपका वर्क फिनिश हो गया है तो आप अपनी कॉपी टर्न कर लीजिए. सो इफ मीन्स अगर. ओके, समटाइम ऐसा होता है कि टीचर ये भी बोलती हैं आपको, इफ़ यू फिनिश योर वर्क सो वी आर गोइंग टू ए वी रूम. ठीक है, अगर आपका वर्क फिनिश हो गया है तो हम ए वी रूम जाएंगे. ओके, सो इफ मीन्स अगर. नंबर फाइव, गो, जी ओ गो, जी ओ गो, जी ओ गो. गो मीन्स जाना. ओके, गो मीन्स जाना. ठीक है, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं हम बोलते हैं गो दियर का, ठीक है, तो यानी वहाँ जाइए, इस तरह से. गो मीन्स जाना. नंबर सिक्स, बी, नंबर सिक्स, बी, बी ई बी, बी ई बी. ओके स्टूडेंट्स, बी ई बी, बी मीन्स हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके साथ हम ज्वाइन करके और उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, नाउ ये वो वर्ड है जब आप बड़े होंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, यानी आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे और फिर आगे टेंसेस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ यूज़ करना है. अभी मैं आपके लेवल से बहुत हाई है. ओके, नाउ बट इन वर्ड्स को आप लोगों को लर्न करना है. ओके, नाउ अगेन आई रिपीट, आई एस इज, आई एस इज, एच ई ही, आई एन एन,
IFAGOGOBEB. Okay, students, again I repeat, is. He. In. If. Go. Be. ये आपके कौन से वर्ड्स हैं? ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं और टू लेटर डिक्टेशन वर्ड्स हैं, ठीक है? टू लेटर्स, ओके? हर जगह टू लेटर्स आ रहे हैं, 1, 2. लाइक लुक एट दिस, 1, 2. ये कौन से वर्ड्स हैं? टू लेटर्स वर्ड्स हैं, आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं, आपको इनको लर्न करना है. और टीचर कभी भी इन डिक्टेशन वर्ड्स का टेस्ट ले सकती हैं रैंडमली. आप कहीं से भी कोई सा भी वर्ड बोल के डिक्टेशन ले सकती हैं. तो आपको इन डिक्टेशन वर्ड्स को अच्छे से याद करना है. फॉर एग्जांपल, टीचर ने बोला इफ़, तो आपको पता होना चाहिए IFE होता है, तो आप लोग ने फौरन से राइट कर लिया. अब टीचर ने कहा इन राइट करें, तो आपको पता होना चाहिए IN होता है, तो आपने फौरन राइट कर लिया. इसी तरह आपको सारे डिक्टेशन वर्ड याद करने, टीचर कभी भी आपका टेस्ट ले सकती हैं. ओके, नाउ अब आपको डिक्टेशन वर्ड्स मैंने तो आपको लर्न करवा दिए, इसको आपको पक्का लर्न करना है और मुझे वीडियो बना के, वीडियो मेक करके मुझे सेंड करनी है. ओके, ताकि एक जगह आपकी कॉपी पर राइट हो और आप मुझे बताएं कि कौन सा वर्ड क्या है. ओके, इसी तरह से राइट करेंगे, कॉपी पे हो गई, कोई भी रफ कॉपी हो गई, स्कूल की कॉपी नहीं, दूसरी कॉपी. ओके, अगर आपके पास वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर राइट करके मुझे आप लोग जिस तरह मैंने रीड करा है उसी तरह आप लोग वीडियोस बना के मुझे सेंड कर सकते हैं. नाउ कम इनटू कॉपी वर्क. अब हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज आवर कॉपी, हमारी कॉपी है, इंग्लिश कॉपी है. इसका बहुत ख्याल रखना है, इसको टियर नहीं करना है, इसको मैसी नहीं करना है. ओके, नाउ राइट डेट हियर. जिस डेट को आपका वर्क होगा वो डेट यहाँ मेंशन करेंगे. देन 12 इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर एंड 2020 इज़ द ईयर. ओके, डिक्टेशन वर्ड्स अगेन आई रिपीट, डिक्टेशन वर्ड्स. ओके, नाउ IS. अगेन आई रिपीट, IS. राइट हियर, सेम जिस तरह टीचर ने राइट करा है वैसे ही आपको भी राइट करना है. IS. ओके, IS. इसको इसी तरह अपना नीट एंड क्लीन राइट करना है. IS. इसको आप साउंड्स में भी पढ़ सकते हैं. आई तो इसका बिग ब्रो को कहते हैं, तो ये छोटा है तो इसको क्या कहेंगे? ई. और व्हाट साउंड इज दिस? इस तरह से भी आप रीड कर सकते हैं. ओके, अब हम स्पेलिंग्स पर आ रहे हैं, तो ज़्यादातर स्पेलिंग्स को हम लोग जो है अल्फ़ाबेट में रीड करते हैं. ओके, नाउ आफ्टर इज व्हाट वर्ड इज दिस? ही. ओके, ही. ही. ट्राई बेस्ट कि आपका जो वर्ड है वो लाइन से आउट ना हो. जिस तरह टीचर राइट कर रही है सेम एज उसी तरह ही राइट हो. ओके, ही. कम इनटू नेक्स्ट, इज ही इन. In
इन 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 ओके स्टूडेंट्स, डिक्टेशन वर्ड इज ही इन टर्न योर पेज लाइक दिस सॉरी टर्न योर पेज लाइक दिस नेक्स्ट थ्री वर्ड इज लास्ट की हमारे थ्री वर्ड्स हैं डिक्टेशन वर्ड्स पुट डेट हियर 12 इज द मंथ ऑफ दिसंबर एंड 2020 ओके नाउ इफ आई एफ ओके गो जी ओ गो बी ई बी इफ गो बी नाउ स्टार्ट राइट आई एफ इफ ओके इफ 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 If come into next if what come after if go next word kya hai go g o go 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 यानी ये वर्ड्स आपको इतने पक्के पक्के अपने माइंड में फिक्स कर लेने कि कहीं पे भी आप देखें तो आप फौरन इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वर्ड कौन सा है ओके तो फौरन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कहीं पे भी देखें आपकी कॉपी में ही भी नहीं टीवी में समटाइम होता है न्यूज़पेपर हो गए मैगजीन हो गए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक हो गई आपके बड़े सिबलिंग्स हैं यानी एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर तो इनकी बुक्स वगैरह में कहीं देखें तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर सकें कि व्हाट वर्ड इज़ दिस तो इस तरह से इनको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है ओके नाउ राइट इट गो 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 इफ गो बी 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 ओके बी 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 को हम इस तरह से यूज करेंगे समटाइम हम बोलते हैं ना बी केयरफुल ओके तो बी को सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज करा जाता है बी 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 ओके स्टूडेंट्स नाउ इफ गो बी इफ गो बी इफ गो be again I repeat is he in is is h e he I n in turn your page if go be I f if g o go b e b again I repeat if go be if Go B. Okay, students. Now, अपना वर्क नीट एंड क्लीन करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो लाइन से बिल्कुल आउट ना हो प्रॉपर वर्क हो पेंसिल शार्प हो डबल पेंसिल ना हो ओके और क्या कहते हैं अपना वर्क कंप्लीट करके टेक अ पिक्चर एंड सेंड मी इन ग्रुप और अपना ख्याल रखना है लेकिन इससे अपना वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है और ये आपका होमवर्क है दिस इज़ योर होमवर्क इसमें होमवर्क मेंशन करना नहीं भूलिएगा होमवर्क ज़रूर मेंशन करना है अगर होमवर्क नहीं मेंशन करा तो मैं वर्क नहीं चेक करूँगी ओके डेट मेंशन करेंगे डेट भी मेंशन करना ज़रूरी है Second thing is that now I learn a general knowledge questions. Okay. Okay, students. First of all, we start general knowledge question. I repeat convocation. मैंने starting के video में ही आपसे convocation के questions पूछे थे. उनके मुझे answer आपको देने हैं.
ओके, वॉइस नोट में आप मुझे अपने आंसर सेंड करेंगे। नाउ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रोविंस आर देयर इन पाकिस्तान। प्रोविंस मीन्स सूबे, ठीक है, प्रोविंसेस मीन्स सूबे। हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं, कितने सूबे हैं। देयर आर फोर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, ओके, कितने प्रोविंसेस हैं, फोर। हाउ मैनी, फोर, ओके, मुझे फुल आंसर देना है। देयर आर फोर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, ओके। नेम द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट नेम द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सो उनके हमें नेम बताने, तो क्या क्या नेम है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, के पी के। के पी के मीन्स खैबर पख्तूनख्वा, ओके। सिंध, हम जिस सूबे में रहते हैं ना, हम कराची में रहते हैं, शहर हमारा यानी सिटी हमारी कराची है, और सूबा हमारा कौन सा है, हमारा सूबा है सिंध। हम कौन से सूबे में रहते हैं, सिंध, ओके। नेम द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यानी के पी के, आप के पी के कह सकते हैं, ओके। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, के पी के, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, के पी के। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ ईयर, कितने डेज होते हैं ईयर में, यानी एक साल में कितने डेज होते हैं, बहुत सारे डेज होते हैं ना, तो हाउ मैनी डेज इन अ ईयर, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, कितने डेज होते हैं, 365, हाउ मैनी डेज, 365, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ ईयर, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ आर लास्ट होली प्रॉफिट, ये क्वेश्चन तो हमने इस्लामिक में पढ़ा था कि हमारे आखिरी नबी का क्या नेम है, ठीक है, हमारे आखिरी नबी का क्या नाम है, तो ये तो बहुत ईजी है। व्हाट इज द नेम ऑफ आर लास्ट होली प्रॉफिट, द नेम ऑफ लास्ट, द नेम ऑफ आर लास्ट होली प्रॉफिट इज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द नेम ऑफ आर लास्ट होली प्रॉफिट इज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाट इज द नेम ऑफ आर लास्ट होली बुक, हमारी लास्ट होली बुक, होली बुक कहते हैं कुरान मजीद, ठीक है, जो हमारी आखिरी किताब है, ठीक है, आखिरी किताब, उसका नेम क्या है। अब हमने ये भी इस्लामी में क्वेश्चन पढ़ा था कि आखिरी किताब का क्या नेम है, तो द नेम ऑफ आर लास्ट होली बुक इज कुरान मजीद, द नेम ऑफ आर लास्ट होली बुक इज कुरान मजीद, द नेम ऑफ आर लास्ट होली बुक इज कुरान मजीद। ये जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चंस हैं, मुझे लर्न करने हैं, आपको लर्न करने हैं, और मुझे इनके वॉइस नोट सेंड करने हैं, ओके, और अपना वर्क भी नीट एंड क्लीन करके मुझे सेंड करना है। इफ़ यू वर्क इज़ गुड सो आई गिव यू लॉट्स ऑफ स्टार, और अगर आपके वॉइस नोट में भी आपके आंसर्स करेक्ट हुए सो आई गिव यू अ स्टार। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।